तो ये सब्जी मैंने आलू गोभी गाजर मटर इसको मिक्स करके मैंने बनाया है। ये सब्जी खाने बहुत टेस्टी लगता है। आपको पता है सर्दियों का टाइम है, हरी भरी सब्जियां तो आती ही रहती हैं, तो ये मैंने गाजर गोभी आलू मटर की सब्जी को बना के तैयार किया। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। आप एक बार मेरे तरीके से सब्जी को बनाकर देखोगे ना, मुंह में आपके में पानी आ जाएगा। तो इस सब्जी को मैं पूड़ी के साथ भी खा सकते हो, पराठों के साथ खा सकते हो, चावलों के साथ भी खा सकते हो। उस तरीके से मैंने इस सब्जी को बना के तैयार किया है। तो इसको कैसे बनाया है, गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आपको पता है सर्दियों का टाइम आ गया है, तो सर्दियों में तो भाई हरी हरी सब्जियां मिलती हैं। अभी हमारे यहाँ हरी मटर नहीं आई है, तो ये हमने आलू लिए हैं, गाजर और गोभी। तो आलू गाजर और गोभी की और मटर की हम सब्जी बनाने वाले हैं। बहुत एकदम मसालेदार सब्जी बनाएंगे। सर्दियों में तो सब्जियां बहुत हरी हरी और बहुत अच्छी भी आती हैं, फ्रेश फ्रेश। तो उसको मैंने कट कर लिया, धोकर साफ कर लिया। चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है। हम सरसों के तेल में सब्जी बनाएंगे, आपकी इच्छा है किसी में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल को एक बार हम अच्छी तरीके से कढ़ाए, उसके बाद ही पका लेंगे सरसों के तेल को। उसके बाद इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। तेल हमारा पक गया, जीरा ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे। जैसे ही जीरा चटक जाएगा उसके बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन कटा हुआ, थोड़ा सा लहसुन काटा हुआ डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे चॉप किया हुआ, थोड़ा इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये एक हरी मिर्च कटी हुई, इसको भी पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। सब सब्जियों को हमने मोटा मोटा कट किया है, तो इसमें हमने आलू को ऐड कर देंगे। सब्जियों के थोड़ा थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो सब्जियों को फ्राई करके बनाते हैं ना, तो उन सब्जियों का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो इसको हम फ्राई करेंगे आलूओं को। सब आलूओं को थोड़ा ढक के हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। सब्जी हमारी 2 मिनट फ्राई हो चुकी है, इसमें ऐड कर देंगे हम गोभी को। गोभी को हमने मोटा मोटा कट किया है, थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, ताकि हमारी थोड़ी सी सब्जी जल्दी पक जाए। नमक से थोड़ा जल्दी पक जाता है, तो नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। और इसको हम चला देंगे और ढक के इसको भी पका लेंगे हम। आप फैमिली के साथ बना सकते हो, बड़ी फैमिली है हिसाब से बना रही। तो 2 मिनट सब्जी को हो चुकी है, देख लेंगे एक बार। सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इस टाइम पे इसमें हम गाजर ऐड कर देंगे, गाजरों को ऐड कर देंगे। अभी थोड़ा सीजन आया है, तो एकदम लाल रेड कलर की गाजर नहीं आ रही है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, बेसिक जो मसाले होते हैं हमारी सब्जी वाले। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी तीखी पसंद है हमको सब। गरम मसाला ऐड कर देंगे थोड़ा सा। अब इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मसालों को, और मसालों को हमें बिना पानी के ही भूनना है, सब्जी में पकाना है। बॉइल की हुई हमारी मटर है, मटर ऐड कर देंगे और इसको ढक करके हम पका लेंगे।
ढक के इसको पकाएंगे। एक बार सब्जी को और देखेंगे, 5 मिनट हो चुकी है। अगर हमारी सब्जी नीचे लगेगी तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कर देंगे मामूली सा, लेकिन मसालों को हम अच्छी तरह पकाएंगे, उसके बाद ही इसमें पानी ऐड करेंगे। आ लेंगे सब्जी को हम एक बार चेक कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने पानी भी ऐड कर दिया था तो सब्जी हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा एक टमाटर कटा हुआ, आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अब बाद में कर दिया है, कोई नहीं। इसको टमाटरों के साथ 2 मिनट पकने देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो टमाटरों के साथ इसको पकने देते हैं 2 मिनट। सब्जी को हम एक बार चेक करेंगे, सब्जी हमारी पक गई है। तो सब्जी हमारी पक चुकी है, अब इसमें ऊपर से डाल देंगे कसूरी मेथी, हरा धनिया। सब्जी हमारी बनके फ्री हो गई, अब इसको हम निकालेंगे। तो सब्जी को हम निकालेंगे, वाव इतनी हमारी अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है। सब्जी को हम निकालेंगे तो हमारी गाजर आलू मटर की सब्जी है बनके तैयार। कितनी अच्छी हमारी सब्जी अच्छी बनके तैयार हुई है, कितना अच्छा कलर आया है खाने देखने में, कितनी अच्छी लग रही है। तो आप इस तरीके से आलू मटर गोभी की सब्जी बना सकते हो। सर्दियों में तो अच्छी अच्छी सब्जी आती है, फ्रेश फ्रेश सब्जी आती है, तो ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी?